हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज की इस वीडियो में हम जो इतिहास की जो सीरीज चला रहे हैं प्रश्न बैंक सॉल्यूशन की, उसका ये थर्ड पार्ट है। और इसमें आज हम आगे के अध्याय के ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनके आंसर देखेंगे। तो इससे पहले एक ज़रूरी बात कि हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करें, और उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अध्याय 3, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो देखिए पहला प्रश्न है महाभारत, रिक्त स्थान पूछे हैं। महाभारत की रचना रिक्त स्थान ने की, तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर महर्षि वेदव्यास ने की। वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था, देखिए इन सभी के आंसर मैंने यहाँ दे भी रखे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ समझिए इनको कि वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कर्म था। यानी कि जो पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी कि कोई किस प्रकार का कार्य करना चाहता है उसके आधार पर उसको चार भाग जो हमारे वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसके आधार पर बांटते थे। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण रिक्त स्थान के द्वारा किया गया, तो ये किनके द्वारा किया गया, वी एस सुखथांकर, ठीक है ये नाम आप याद रख ले सभी, वी एस सुखथांकर। अब अगला प्रश्न है पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा जी की भुजा से कौन से वर्ण की उत्पत्ति हुई, तो इसमें आ जाएगा क्षत्रिय वर्ण, ठीक है। अगला प्रश्न है संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए रिक्त स्थान शब्द का प्रयोग किया गया, तो परिवार को संस्कृत में कहते हैं कुल, ठीक है तो इसमें आ जाएगा कुल। ये आप यहां पर सारे आंसर देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला प्रश्न है समाज में गंधर्व असुर राक्षस और पेशाच विवाह को अच्छा माना जाता है, क्या यह बात सत्य है, तो ये बात असत्य है। फिर अगला है समाज में पितृवंशी व्यवस्था महाभारत की रचना के पहले मौजूद थी, तो बिल्कुल सत्य है, पितृवंशी व्यवस्था कभी से हमारे यहाँ है। फिर अगला है हिंदू धर्म में 18 संस्कार होते हैं, क्या ये बात सत्य है, तो ये असत्य है क्योंकि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। भगवद गीता महाभारत की देन है, तो सत्य बात है, महाभारत के जो युद्ध क्षेत्र था वहीं से भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निकली। महाभारत में कुल 12 पर्व है, तो यह असत्य बात है क्योंकि महाभारत में 18 पर्व है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये देखिए आगे ये मैंने यहाँ पर उत्तर दे रखे हैं, रिक्त स्थान के उत्तर हैं, ये सत्य असत्य के उत्तर हैं। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 4, विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से संवत 600 तक। तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है इस अध्याय से, तो पहला प्रश्न है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं, तो इसका उत्तर रहेगा बौद्ध धर्म, तो आप बौद्ध धर्म पर लगाएंगे, ठीक है। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, तो ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। वैष्णववाद में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है, तो वैष्णववाद, वैसे तो भगवान विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं लेकिन वैष्णववाद यानी कि 10 अवतारों की कल्पना की गई, 24 तो इसमें है नहीं ऑप्शन। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, कहां पर हुआ था महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, तो वो हुआ था कुशीनगर में। फिर अगला है वीर शैव आंदोलन के जनक कौन थे, तो इसका आंसर रहेगा बसवन्ना, ये आप देख रहे हैं तीसरा वाला, बसवन्ना वीर शैव आंदोलन के जनक थे। थेरी गाथा नामक बौद्ध ग्रंथ किसका हिस्सा है, तो ये है सुत्त पिटक का हिस्सा, ठीक है, तो ये आंसर आपको मैंने बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, कराईकाल
अम्मियार, ये जो है ये नयनार थी एक, यानी कि ये जो थी शिव भक्त थी, तो इसमें आ जाएगा शिव भक्त। अगला है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सभी जानते हैं अजमेर में। अगला है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत करी थी, तो ये इसमें आ जाएगा। गुरु नानक देव, नानकाना साहिब तलवंडी, ठीक है। और जो अलवर संत थे वो किनकी पूजा करते थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, ठीक है। तो ये इस तरह से जोड़ी हो गई, आप सभी समझ गए होंगे। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू प्राप्त हो और हम आगे सीरीज जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।